सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए, आज हम लोग ये सुपर लाइट क्ले का यूज़ करके बनाने वाले हैं। 8 वेजिटेबल्स हम लोग क्ले से बनाएंगे। तो अगर आपको फ्रूट्स भी देखना है तो मुझे कमेंट में बताना है, तो मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर से लेकर आ जाऊँगी। तो देखिए, आज हम लोग इतने कुछ क्ले का यूज़ करके यहाँ पर ना डिफरेंट वेजिटेबल्स बनाएंगे। तो फर्स्ट तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ कैरेट। तो चलिए, कैरेट के लिए यहाँ पर मैंने ऑरेंज क्ले ले ली हूँ एंड इससे हम बनाएंगे यहाँ पर कैरेट। एंड से ये सारी वेजिटेबल्स में से आप बताना कि आपकी सबसे फेवरेट वेजिटेबल्स कौन सी, कैरेट किस किस को पसंद है वो भी बताना। तो देखिए, हमें कुछ इस तरीके से शेप देना है एंड टॉप की तरफ। देखिए, यहाँ पे मैं ये क्ले टूल का यूज़ की हूँ, तो इससे काफ़ी एकदम अट्रैक्टिव यहाँ पे हमारा ये वेजिटेबल क्ले आर्ट बनेगा। तो ज़्यादा क्ले टूल का मैंने इसमें यूज़ नहीं की हूँ, जो सिंपल हमें ये क्ले के साथ ना ये 3 टूल्स तो हर किसी को मिलता है, तो बस ये 3 क्ले टूल का यूज़ करके आज मैं पूरा 8 वेजिटेबल्स बनाऊँगी। तो देखिए, हम यहाँ पे कैरेट के लीव बना दे रहे हैं, इसे भी कुछ इस तरीके से हमें शेप देना है तो बहुत ही एकदम रियल लगेगा। ना यहाँ पे देखिए, 3 लीव बना के मैंने यहाँ पे स्टिक कर दी हूँ। तो यहाँ पे देखिए, हमारा क्यूट सा कैरेट बिल्कुल रेडी हो गया। कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना। तो चलिए, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे वेजिटेबल्स बनाएंगे। तो नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बनाएंगे रेड कैप्सिकम। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने रेड एंड ग्रीन क्ले दो यहाँ पे ले ली हूँ, तो इससे हमारे यहाँ पे कैप्सिकम रेडी हो जाएगा। तो देखिए, फर्स्ट हमें रेड कलर लेना है, इसे देखिए हमें यहाँ पे पहले शेप दे देना है। एंड मेरे साथ आप भी अपनी ये 8 वेजिटेबल्स रेडी करना। तो देखिए, यहाँ पे हम कैप्सिकम के लिए ये वाले टूल का मैं यूज़ कर रही हूँ, इससे बहुत अच्छे से यहाँ पे शेप दे देंगे हम। तो ये टूल भी बहुत ही इजीली यहाँ पे देखिए कैप्सिकम ये टूल से रेडी हो जाएगा। एंड आज ना मैं इंस्टा पे एक्टिव रहूँगी, जिसने ये पूरा 8 वेजिटेबल बनाया ना, मुझे आज के दिन ना इंस्टा पे सेंड करना उसके पिक, तो मैं उसको कम्युनिटी टैब पे अपने शॉट आउट देने वाली हूँ। तो आज ही के दिन मैं एक्टिव रहूँगी, तो फटाफट से आप भी अपनी ये 8 वेजिटेबल्स रेडी करना, बहुत ही ईजी वे में रेडी हो जाएगी, क्योंकि मैंने बहुत ईजी वे में इसका बताया है एंड कोई भी एक्स्ट्रा टूल का यूज़ नहीं की हूँ मैंने, ज़्यादातर हैंड से इसे शेप दी हूँ। तो अपने पिक वहाँ पे 8 वेजिटेबल्स की सेंड कर देना, अपना नेम ज़रूर से मेंशन करना, तो आपको शॉर्ट आउट मिल जाएगा। तो ये चांस मिस मत करना, फटाफट से अपनी 8 वेजिटेबल्स रेडी करना है एंड मुझे इंस्टा पे इसके पिक सेंड करना। एंड बहुत सारे लोग का कमेंट आता है कि हम लोग के पास इंस्टा आईडी नहीं है, तो जिसके पास इंस्टा आईडी नहीं है ना, तो वो मुझे ईमेल भी कर सकता है। तो मेरी ईमेल आईडी ना आप अबाउट सेक्शन में देखोगे ना, वहाँ पर आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से आप ईमेल कर देना मुझे। तो वहाँ पर भी अपना फ़ोटो भेजना है, अपना नेम ज़रूर से मेंशन कर देना। चलिए, यहाँ पे 2 वेजिटेबल्स हमारे यहाँ पे रेडी हो गई। तो देखिए, थर्ड हम लोग यहाँ पे ब्रिंजल बना रहे हैं, तो इसके लिए भी हमें देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे शेप देना है इसके। एंड यहाँ पे भी यहाँ पे पर्पल एंड ग्रीन कलर यूज़, 2 कलर यूज़ होंगे यहाँ पे। एंड ये वाली वेजिटेबल्स किस किस की फेवरेट है मुझे कमेंट में बताना। मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट नहीं है, मैं इसे बहुत कम खाती हूँ, मुझे इतनी ज़्यादा नहीं पसंद। तो देखिए, यहाँ पे ग्रीन क्ले से हमें इस तरीके से शेप देना है एंड टॉप की तरफ स्टिक कर देना है। तो ये वाले क्ले में ना ग्लू का भी यूज़ नहीं होता, ये ना अपने आप स्टिक हो जाता है। तो देखिए, यहाँ पे हमें कुछ इस तरीके से इसे डाउन की तरफ यहाँ पे मूव करना है, तो यहाँ पे बहुत ही हमारा एकदम रियल ब्रिंजल यहाँ पर रेडी होगा। एंड देखिए, इसे भी मैं हैंड से शेप दे रही हूँ, बहुत ईजी वे में ये भी रेडी हो जाएगा। एंड अगर आप हैंड से शेप दे रहे हो ना, तो आपको बहुत ही कॉन्शियस होकर शेप देना रहता है, बहुत जल्दी यहाँ पे ये लाइट क्ले है ना, आप थोड़ा सा भी इसको करोगे तो ये जल्दी से फिक्स हो जाता है, तो इसलिए फटाफट शेप देना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए, 3 वेजिटेबल्स हमारी रेडी हो गई। चलिए, फोर्थ यहाँ पे हम लोग रेडी करते हैं। तो आज ना हम लोग यहाँ पे चिल्ली बनाएंगे, रेड चिल्ली। तो रेड चिल्ली तो बहुत ही इजी वे में रेडी हो जाएगी, इसमें ज़्यादा हमें शेप देना भी नहीं है। तो देखिए, हमें रेड एंड ग्रीन कलर इसमें भी 2 यूज़ होंगे, ज़्यादातर सब में रेड एंड ग्रीन कलर ही यूज़ हो रहा है एंड ग्रीन तो सभी में यूज़ हो रहा है, क्योंकि वेजिटेबल्स है तो ग्रीन तो कलर यूज़ होगा। तो देखिए, यहाँ पर हम अपनी ये चिल्ली भी रेडी कर लेंगे, इसे भी मैंने सारे हैंड से शेप दी, उसमें तो क्ले टूल का यूज़ ही नहीं हुआ है। तो देखिए, बहुत ही इजी वे में ये भी रेडी हो गया यहाँ पे। तो 4 वेजिटेबल्स तब तक यहाँ पे रेडी हो गई एंड ये वाला चैलेंज तो हमारा एंड हो गया, जो मैंने शॉर्ट्स में आप सबके साथ शेयर की थी। बहुत सारे लोग बोल रहे थे एक साथ आपको वीडियोस देखना है, तो स्पेशल उनके लिए मैं ये वीडियो लेकर आ गई हूँ। तो अगर आपको और दूसरे जो भी चैलेंज देखने हैं, मुझे आज के कमेंट में बताना, तो मैं आपके लिए न्यू चैलेंज लेकर आ जाऊँगी। वैसे मैं ना वैकेशन पर गई थी, मैंने इंस्टा स्टोरी बहुत सारी डाली थी, मैं अपने विलेज गई हुई थी, तो इसलिए मैंने दूसरा चैलेंज स्टार्ट नहीं की थी। बहुत सारे लोग ने चैलेंजेस बताए थे मुझे कमेंट में, लेकिन अभी मैं विलेज से आ चुकी हूँ एंड वैकेशन भी ख़त्म हो गई है, मेरी वैकेशन ख़त्म हो गई है, तो इसलिए आप सबकी तो अभी भी चल रही है, तो इसलिए मैंने कोई न्यू चैलेंज स्टार्ट नहीं की थी। लेकिन अब आज आप मुझे कमेंट में बताना, तो आज से या फिर मैं कल से आपके लिए कोई न्यू चैलेंज लेकर आ जाऊंगी। तो आपको क्ले आर्ट देखना है या कुछ और देखना है वो भी मुझे कमेंट में बताना। अगर आपको पेपर क्राफ्ट के चैलेंजेस देखना है ना, 8 डे या फिर 10 डेज़ के, तो वो भी मुझे बता देना। तो देखिए, यहाँ पे हम अपना पोटैटो रेडी कर रहे हैं, पोटैटो बहुत ही ईजी वे में रेडी हो गया, इसमें तो कुछ भी ज़्यादा नहीं करना था, बस आपको देखिए यहाँ पे राउंड शेप करके ये वाले क्ले टूल से शेप दे देना था। तो यहाँ पे हमारी अब तक कितनी रेडी हो गई, 5
फाइव वेजिटेबल हमारी यहाँ पे रेडी हो गई है। तो चलिए सिक्स्थ यहाँ पे हमारी बनाते हैं। तो सिक्स्थ हम लोग यहाँ पे आज बनाएंगे टोमेटो। तो टोमेटो बहुत सारे लोग का कमेंट रहता था कि आप टोमेटो बनाइए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि टोमेटो सबका फेवरेट है क्योंकि बहुत कमेंट टोमेटो पे आ रहे थे। तो देखिए यहाँ पे टोमेटो में भी ग्रीन एंड रेड कलर यूज़ हो रहा है। ग्रीन तो सभी में आज यूज़ होगा कलर। तो देखिए यहाँ पे हमने टोमेटो भी कुछ इस तरीके से बनाना है, बहुत ईजी में ये भी रेडी हो गया। इसमें भी मैंने कोई भी क्ले टूल ज़्यादा यूज़ नहीं की, बहुत देखिए कम सा क्ले टूल यहाँ पे यूज़ हो रहा है। एंड जो भी ये क्ले टूल, तो वो जो क्ले आप ख़रीदते हैं सुपर लाइट वाला क्ले, तो इसमें तो मिलता ही है ये तीन क्ले टूल, तो एक्स्ट्रा आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि एक्स्ट्रा भी जो क्ले टूल हम अलग से लेते हैं तो काफ़ी कॉस्टली होता है, तो बहुत सारे लोग नहीं ले पाते हैं। तो इसलिए मुझे बहुत ही कमेंट आया था आप सबका कि आप ज़्यादातर हैंड से शेप देना। तो देखिए यहाँ पर हमारा सिक्स वेजिटेबल रेडी हो गए। तो चलिए सेवन वेजिटेबल हम सेवन्थ रेडी करते हैं। तो यहाँ पे मैं सेवन्थ कॉलीफ्लावर रेडी करूँगी। तो ये भी बहुत ही अट्रैक्टिव एकदम रियल बना था, ये तो मुझे सबसे अच्छा लग रहा था। तो देखिए इसमें भी, इसमें तो पूरा ही ग्रीन कलर यूज़ होगा एंड ग्रीन है, इसमें वाइट भी थोड़ा मिक्स होगा। एंड ये सारे बना के ना मैंने इसका कलेक्शन अपने पास रखी हूँ। इतना अच्छा लगता है ना जब भी फिक्स हो जाता है तो एकदम रियल लगता है। अभी तो एकदम थोड़ा सा ड्राई है ना, तो इसलिए अभी आप इसमें कुछ भी आप दूसरा शेप दोगे तो ये ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए आपको बहुत संभालना पड़ता है। लेकिन एक बार ये फिक्स हो जाता है ना तो ये बहुत अच्छे से आप खेल भी सकते हो उसके साथ। अगर आपको ना ये क्ले आर्ट से टॉय चैलेंज दिखना है डिफरेंट डिफरेंट टाइप का, तो मुझे कमेंट में बताना, तो मैं वो भी आपके लिए लेकर आ जाऊँगी। फिर जब वो फिक्स हो जाएगा तो आप उसके साथ खेल भी सकते हो। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा वाइट कलर मिक्स करना है, यहाँ पर इसे भी देखिए शेप दे देना। यही वाला क्ले टूल जो मैंने इसमें यूज़ की थी, इसमें आपको ये वाले में भी यूज़ करना है। तो ये भी हमारा यहाँ पे कॉलीफ्लावर रेडी हो जाएगा। बस एक और वेजिटेबल बनाएंगे तो हमारे एट वेजिटेबल हमारे पास रेडी हो जाएगा। एंड ये शॉर्ट आउट का चांस मिस मत करना। आज के दिन ही मैं एक्टिव रहूँगी इंस्टा पे एंड मैं आपके सबके डीएम देखने वाली हूँ, जो जो ये एट वेजिटेबल्स के फ़ोटो एंड अपना नेम सेंड करेगा मुझे। तो शाम तक मैं इसको अपने कम्युनिटी टैब पे उन सबको शॉर्ट आउट देने वाली हूँ। तो फटाफट से ये चांस मिस मत करना, अपना ये रेडी कर लेना क्ले वेजिटेबल क्ले आर्ट एंड मुझे इसकी पिक सेंड कर देना। तो यहाँ पर देखिए हमारी सेवन रेडी हो गई। लास्ट यहाँ पर हम रेडी करेंगे कॉर्न। तो देखिए कॉर्न में भी हमें ग्रीन एंड येल्लो कलर यूज़ हो रहा है, ये भी बहुत ही इजी वे में रेडी हो जाएगा। तो फर्स्ट देखिए हम यहाँ पे कॉर्न बनाएंगे, तो इसमें हमें सिर्फ ये वाले टूल यूज़ होंगे, इसमें हमें इसे शेप देना है। तो देखिए बहुत ही एकदम रियल यहाँ पे रेडी होगा एंड बहुत संभाल के शेप देना। आप थोड़ा भी टाइट पकड़ोगे ना क्ले को तो ये शेप ख़राब हो जाता है। एंड मुझे कमेंट में बताना कि कॉर्न किस किस का फेवरेट है। ये तो मेरा बहुत फेवरेट है, स्पेशली रेनी सीजन में सब इसे बहुत खाते हैं ना, जब बारिश होती रहती है, एंड कॉर्न खाने में बहुत ही मज़ा आता है। एंड कैसी लगी आपको ये आज की एट वेजिटेबल क्ले आर्ट वीडियो मुझे कमेंट में बताना। पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर से करना। ऐसे और क्रिएटिव एंड यूनिक वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय गाइज़।